हमारे देश में अभी इतना हालात बहुत ख़राब है, आपको पता है पूरा दुनिया में वहाँ का मिलिट्री जो है आर्मी वाले लोगों को इतना मार रहे, काट रहे, पिटाई कर रहे, शूट कर रहे, ठीक इस हाल में अगर हमें वहाँ पे डिपोर्ट करेगा तो फिर हमारा हाल क्या होगा। तो सभी बोलता है, यहाँ का जो मीडिया वाला बोलता है आप इलीगल हो, मगर इलीगल नहीं है। हमारे पास ये जो कार्ड है ना, ये UNHCR की तरफ से दिया गया है, इसलिए हम कहते हैं अगर इलीगल है तो उनको बताओ ना, जिन्होंने ये कार्ड दिए हैं इनके दफ्तर में जाओ, इनके साथ बात करो। शनिवार को बुलाया थाना में फार्म रखने के लिए, हम लोग सारे जाने के लिए तैयार हो गया, यहाँ से 10-20 फैमिली ले गया हमारा जिम्मेदार ने, ले जाकर बात बोला तुम्हारा कोरोना टेस्ट करेंगे, तुम्हारे को कोरोना टेस्ट करके बाद भेजेंगे घर में, ऐसे बोल के दूसरा 10-15 फीमेले अलग अलग बनाया, बुड्ढी जवान लड़की जो घरवाली नहीं है, घरवाला नहीं है, वो अलग अलग रखा है, रख के बाद पता नहीं क्या हो गया उसको, गाड़ी भर के फैमिली सारा कितना सारा 150 फीमेले आगे ले गया, 10-20 पे मिली, बोला बाकी दिन ले जाएंगे तुम लोग चली जाओ घर में। आपके किसी रिश्तेदार को लिया है? हाँ ले गया है। किसको? मेरा हाला ले गया है, मेरा मासी है, मासी का घरवाला है, ये लड़की है। क्या हुआ इनको? यहाँ बहुत लोग काम करने वाला है, अभी ना काम पर जा सकता है, ना टाइम पर खाना मिल रहा है, ना बाहर निकलने का मुश्किल है हमें। और रात को आपको क्या लगता है? रात को बड़ा डर लगता है, क्यों कब आके कब उठा के ले जाएगा, हमें कोई भरोसा नहीं है, ये पुलिस वाला भी कुछ नहीं बता रहा है। तो मतलब रात को आप कैसे फिर रहते हैं, नींद आती है? बिल्कुल नहीं आता सर। फिर क्या करते हैं? हम बाहर घूम के रहता हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है, मेरे पड़ोस में देखो एक छोटा बच्चा है घर में रह गया, माँ को पता नहीं कितना, माँ को पेट में बच्चा है, इतना मुश्किल हो रहा है, माँ बच्चा को नहीं देख रहे, बच्चा माँ को नहीं देख रहे, आज 4-5-6 दिन हो गया, पता नहीं कैसे गुजारा हो रहा है, हमसे फ़ोन में भी कभी बात नहीं हुआ, मेरे साथ बात नहीं हुआ और बच्चा के साथ बात भी नहीं हुआ अभी। तो आप लोगों को यहाँ पे कितना टाइम हुआ रह रहे? मुझे हो गया 2008 से मैं इधर हूँ। आपने यहीं पे शादी वगैरह की? आप जी, मेरा शादी यहाँ पे हुआ है, मैं 2008 में यहाँ आया हूँ। तो आप बताएंगे जब आप वहाँ से निकले जी, तो उस वक्त क्या हालात हो रहे थे वहाँ पे, क्या हालात? बर्मा में तब भी हालत खराब था, जब वहाँ से आ रहे थे तब भी हालत खराब था, हम छोटा से वहाँ सुन के आ रहे हालत खराब है, जब मैंने देखा जब मैं जब वहाँ 10-12 साल का था तब भी वहाँ हालत खराब है, मैं वहाँ से जब निकल के आया 2008 में यहाँ आया हूँ, तब से यहाँ माशाल्लाह रह रहा हूँ अभी।